नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हमारी पूरी टीम के साथ, हमारे लोकल के जानकार मुंशी दादा के साथ, जड़ी बूटी की श्रृंखला में आपको दिखाने ले जा रहे हैं एक और औषधि वृक्ष कुंभी। दद्दू, कुंभी का वृक्ष कहाँ पे है आप हमें बताएं और लेके चलिए। चलिए आप। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कुंभी के वृक्ष के पास। आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य श्री वैद्य गणेश राम जी चौहान। दोस्तों, जैसा कि यह कुंभी का वृक्ष है, यह मध्यम ऊंचाई का 9 से 18 मीटर ऊंचा वृक्ष होता है। यह भारत में लगभग सभी जगह पाया जाता है, पर उत्तर भारत में अधिकाधिक होता है। इसके जो वृक्ष हैं, जो कि नवीन पत्ते आए हैं इसके, वैसे इसके पत्ते जो होते हैं लंबे एवं 15 इंच तक के होते हैं, जो कटावदार एवं चिकने होते हैं। पुष्प भेद से यह दो प्रकार का होता है, सफ़ेद पुष्प वाला कुंभी और लाल पुष्प वाला कुंभी। आप जो वृक्ष देख रहे हैं, ये लाल पुष्प वाला कुंभी का वृक्ष है। इसके जो फल है, यह गोलाई लिए हुए अनार एवं घड़े के आकार के हरे होते हैं। घड़े के आकार के होने के कारण इसे कुंभी कहा जाता है। इसका जो वाटनिकल नेम है, केरिया अवेरिया होता है। संस्कृत में इसे मधुरेणु और हिंदी में कुंभी और बायकुंभा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, किसी प्रकार के फोड़े फुंसी या किसी प्रकार का घाव हो जाने पर कुंभी की छाल को का काढ़ा बनाकर उससे उस घाव को साफ करके इसकी छाल को बांधने से फोड़े फुंसी एवं घाव ठीक हो जाते हैं। इसके फल का काढ़ा बनाकर पीने से संधिवात, आमवात एवं सूल को शांत करता है एवं सोथर है। वैद्य जी, इसके कोई पारंपरिक गुण के बारे में थोड़ी जानकारी दें आप। इसके बहुत सारे पारंपरिक प्रयोग हैं जी। आदिवासी लोग इसके कच्चे फलों का अचार बना के रख लेते हैं, जो हमेशा खाने के काम आता है। अचार खाने से पेट की समस्त बीमारियां दूर होती है, ये कृमिनाशक है जी। दूसरा, इसकी छाल के काढ़े को कुल्ला करने से मुंह के छाले और मसूड़े ठीक होते हैं। तीसरा प्रयोग उसका है कि इसके पत्ते का पाउडर या छाल का पाउडर आधा आधा चम्मच सुबह शाम देने से मिर्गी, हिस्टीरिया और फिट की बीमारियां क्रम से दूर होती है और उनमें लाभ होता है। इसके पंचांग जो है, फल, फूल, छाल, सभी का काढ़ा बनाकर उसमें शुद्ध गाय का घृत डालकर घृत सिद्ध कर लें। उस घी की मालिश से और नस्य देने से सब मिर्गी का रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसके पंचांग जो है, उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम देने से जो दारू पीने वाले होते हैं, नशे के आदि होते हैं, उनका धीरे धीरे नशा छूट जाता है और नशे की याद नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, जो आपने इसके पारंपरिक उपयोग के बारे में बताया। दोस्तों, हमारा उद्देश्य, वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है ताकि लोगों तक सही आयुर्वेद और जो कि प्राचीन आयुर्वेद पद्धति है उसे बनाए रखना। नमस्कार, जय आयुर्वेद।